क्या अचानक से हुई टिनाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है? आइए पेशेंट का फीडबैक सुनते हैं। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वीडियो फीडबैक देने के लिए। जी जी सर, आपकी उम्र कितनी है? मैम मेरी उम्र 33 है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं मैम होशियारपुर पंजाब का रहने वाला हूँ। ओके सर, कब से आपको ये टिनाइटिस का प्रॉब्लम है? ये मैम मेरे को हुआ था 2019 अक्टूबर में शुरू हुआ था मेरे को। तो कुछ कारण पता है आपको, सही दिक्कत शुरू कैसे हुई आपको? कारण मैम कोई एकदम से हो गया, पता नहीं चला। बस नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी विदेश जाने के लिए, तो जैसे मैं सुबह मॉर्निंग उठा तो एकदम से चालू हो गया। तो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने हल्का फुल्का दवाई दिया, कान में डालो ठीक हो जाएगा। तो दवाई लिया मैंने, मेरे नेक्स्ट डे मेरा फ्लाइट था, मैं चला गया बाहर। तो उधर मेरे को कंटिन्यू हुआ, एक मिनट भी रुका नहीं है। फिर बढ़ता गया धीरे धीरे। तो उसके बाद फिर मैं सोचने लगा क्या करना क्या नहीं। तो फिर मैंने ऐसे वीडियोस वगैरह सर्च किया यूट्यूब पे, तो फिर मेरे को आपका डॉक्टर स्पेक्ट्रा का फिर मेरे को पता लगा, फिर काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे। तो फिर मैं अपना जो भी विदेश का अपना वीज़ा ख़त्म करके मैं आया, तो फिर मैंने दिल्ली आपके पास विजिट किया, ट्रीटमेंट शुरू किया जी। तो सर आपको इस आवाज़ की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती थी? मेरे को मैम ज्यादा तो एक तो सर भारी बन रहता था, तो चक्कर भी आता था बहुत ज्यादा। तो कोई भी काम करना को ध्यान नहीं जाना, मतलब कि हर टाइम मतलब सर भारी रहता था, मैं सोने में बहुत दिक्कत आती थी। जी 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 मैम। तो आपको हमारे बारे में जब पता चला तो आप यहाँ पे आपने विजिट किया, ट्रीटमेंट लिया, तो शुरुआती दिनों में आपका कैसा एक फीडबैक था और आज करंटली आपका क्या सिचुएशन है? जब मैंने मैम शुरू किया तो ट्रीटमेंट, तो मेरे को पहले 2 महीने तो थोड़ा नॉर्मल गया, तीसरे 3 महीने के बाद थोड़ा मेरे को आराम आना शुरू हो गया। तो जैसे सर में भारीपन, चक्कर आना, ये सब कम होने लगा धीरे धीरे धीरे। तो अभी तक तो जैसे पहले मेरा पहले भी बात हुई थी, तो तब तक तो 50% था मेरा जी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो गए, अभी काफ़ी फर्क है, अभी 70-75% कह सकता हूँ ठीक है। ओके तो हमारी ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट या कोई परेशानी तो नहीं हुई लेने में? नहीं मैम, साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ मेरे को, मेरे को ये है बस आराम है आगे से बहुत ज़्यादा चला। तो आप यहाँ पे आपने विजिट किया, ट्रीटमेंट लिया, तो शुरुआती दिनों में आपका कैसा एक फीडबैक था और आज करंटली आपका क्या सिचुएशन है? जब मैंने मैम शुरू किया तो ट्रीटमेंट, तो मेरे को पहले 2 महीने तो थोड़ा नॉर्मल गया, तीसरे 3 महीने के बाद थोड़ा मेरे को आराम आना शुरू हो गया। तो जैसे सर में भारीपन, चक्कर आना, ये सब कम होने लगा धीरे धीरे धीरे। तो अभी तक तो जैसे पहले मेरा पहले भी बात हुई थी, तो तब तक तो 50% था मेरा जी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो गए, अभी काफ़ी फर्क है, अभी 70-75-80% कह सकता हूँ ठीक है। ओके तो हमारी ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट या कोई परेशानी तो नहीं हुई लेने में? नहीं मैम, साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ मेरे को, मेरे को ये है बस आराम है आगे से बहुत ज़्यादा आराम है। तो अभी मैं थेरेपी ले रहा हूँ, जब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी मैं थेरेपी लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ, बीच में स्किप कर देता हूँ। तो सर जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये दिक्कत है, बट सर अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो इस टाइम आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि इधर उधर जाने से, डॉक्टर के पास जो दवाई लेते हैं दवाई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सीधा डॉक्टर स्पेक्ट्रा के पास जाए दिल्ली, अपना ट्रीटमेंट तुरंत करवाएं, जो भी इस बीमारी से छुटकारा पाए और ट्रीटमेंट ले जल्द से जल्द। जी धन्यवाद सर। सर क्या मैं आपका ये वीडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को? अवेयरनेस के लिए नो प्रॉब्लम, नो कोई दिक्कत। थैंक यू सर।